सारा तुम जाओ नीचे, दिलनशीन आ रही है। वैसे हैदर भाई साय की तरह साथ होते हैं तुम्हारे। क्या करूं, रिश्ता ही ऐसा है। अल्लाह करे आप इसे जितना चाहते हैं, ये भी आपको इतना ही चाहे। तुम जाओ नीचे, मां पूछ रही है तुम्हारा। जा रही हूं, लेकिन एक बात बताती चलो, मुझे अपनी मां की मोहब्बत और इज्जत हर रिश्ते से ज्यादा अजीज है। जितनी इज्जत और मोहब्बत आपको अजीज है, उससे कहीं ज्यादा हैदर अपनी माँ की इज्जत और मोहब्बत करते हैं। जाहिर, तुम्हें इस मोहब्बत का ज्यादा अंदाजा होगा। क्या हो गया सारा, ये अचानक से टिपिकल नन बनने का शौक क्यों पैदा हो गया तुम्हें? हाँ भाई, आपको तो मेरी हर बात ही बुरी लगी, लेकिन एक बात याद रखिएगा भाई, जितना प्यार मैं और माँ आपसे करते हैं ना, उतना ये कर नहीं सकती। दिलनशीन, सारा केस बिहेवियर पे मैं तुमसे सॉरी कहता हूं। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें इन तमाम उलझनों से दूर रखूं। मैंने बहुत कोशिश भी की है कि ज्यादा से ज्यादा राहत दिलवा दूं, पर मैं खुद बहुत मजबूर हो गया हूं। जानती हो, अभी ऊपर आ रहा था तो वहां लड़के और लड़कियों के नाम गिनवा रही थी मुझे। मुझे बताओ प्लीज, मैं जानना चाहता हूं, मैं क्यों इतना बुरा लगता हूं तुम्हें? ऐसी बात नहीं है, बस मैंने हमजा को नहीं बताया भाई, और आपने खुद मुझसे एक दो महीने मांगे थे अम्मी के लिए, वो मैंने आपको दे दिए। अब अगर हमजा को पता चलेगा वो कह रहा है। कौन है ये हमजा? कौन है वो? कौन होता है मेरी बीवी और मेरे होने वाले बच्चे को एनओसी देने वाला? कौन है ये हमजा? मुझे लगता है कि हम ये सब कुछ तय कर चुके हैं। नशीन, ये मैंने तय नहीं किया है, ये तुमने है और उस हमजा ने तय किया है। भूल हो गई मुझसे, भूल हो गई जो मैंने आपको बता दिया, पर ना आपने और मैंने तो पता नहीं क्या कुछ तय कर लिया। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें, कैसे दिलाऊं कि मैंने और महमल ने कुछ कभी भी तय नहीं किया? पर जो भी है, बस जान छोड़ा दे। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा ईशल की तरह इधर उधर भटकता फिरे, इधर उधर रुलता फिरे। अंदाजा है तुम्हें तुम क्या बातें कर रही हो? एक बार सोचा तुमने कि ये जो कुछ तुम कहती हो, अगर मां को पता चला तो वो क्या सोचेंगी? वो क्या दुनिया की कोई भी औरत जब ये जानेगी? आप लाए हैं मुझे इस मकाम पर, ना आप मुझे जलील करते ना मुझे उकसाते। आपकी बेअदबी ने मुझे बांट के रख दिया है, मुझे टुकड़ों में। बहुत होशियार हैं आप, बहुत होशियार हैं आप हैदर। सब कुछ करने के बाद किस तरीके से बात कर रहे हैं आप? आपने अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए मेरा कंधा इस्तेमाल किया, बहुत होशियार हैं आप।
तुम्हें क्यों यकीन नहीं आ रहा है इस बात पे? मैं मानता हूं महमल थी मेरी मोहब्बत, है नहीं? मेरा प्यार ये घर है, मेरी माँ है, बीवी है, बहन, ये बच्चा, बहुत मैं सब जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, पर इन बातों की वजह से रेत की तरह सब कुछ मेरे हाथों से निकल गया। तुम यकीन करो मेरी बात का, मैं उसे पुकारा है दिल ने मगर मेरे दिल। हम सब तुमसे बाद में बात करती हूँ। सुन ना सका जो आंखों में थी, मेरे आंसुओं की तरह बिखरी वो ख्वाहिशें। चुन ना सका अकेले चलते चलते हो साए जैसे ढलते, रह क्यों ये फासला। I love you ma. ओके, तो बहुत दिनों के बाद तुमने मुझे कहा है आई लव यू, क्योंकि आई लव यू इसमें ऐसी कौन सी बात है? थैंक यू। अच्छा ये बताओ कि आज ऑफिस क्यों नहीं आए थे? एक्चुअली कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी आज। मेरे फोन में क्या देख रहे हो? नहीं कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि आपको चेंज कर लेना चाहिए। नॉट अ बैड आइडिया। अच्छा सुनो, अफजिया को सैर तो करा के लाओ। कौन सा पहली बार पाकिस्तान आई है और यहाँ पे ऐसा क्या है जो दिखाऊं? तो कोई नहीं, डिनर पे ही ले जाओ। हाँ नहीं अभी नहीं, ले जाऊंगा बाद में। अभी क्यों नहीं? क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ। अच्छा फोन तो दे दो मेरा। दे दूंगा। हमजा ये लड़का बिना जी में बिल्कुल। Nilushin, I'm waiting. Call mom. Hamza, main tumse baad mein baat karti hoon.